दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 जून सन 2023 मंगलवार। दोस्तों आज के कृषि समाचारों में हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे और साथ साथ दलहन के ऊपर चर्चा होगी और बहुत सी दूसरी सूचनाएं आपसे साझा करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो आपको यही कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। याद रखिएगा, यदि आप व्यापार व्यवसाय में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू होना पड़ता है और मल्टी एग्रो कम्युनिटीज के ऊपर देश का पहला चैनल है जो दलहन तिलहन मसाला के अतिरिक्त अनाज के ऊपर लगातार अपडेट देता है, विश्लेषण देता है जो कि सत्य साबित होता है। साथ साथ आपको दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से आज के कृषि समाचारों में। आज खबर निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में दलहन यानी दालों का उत्पादन में तेज गिरावट आने की संभावना बन गई है और ये लगभग 32% घट सकती है। साल 2022-23 के सीजन के दौरान प्रमुख दलहन फसलों की बिजाई क्षेत्र और औसत उपज देर में भारी गिरावट की संभावनाएं बन गई है। इसके कुल उत्पादन में 32% तक की गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया के 5 प्रमुख दलहन फसलों में मसूर, चना, मटर, फावा बीन्स, ल्यूपिन्स की संयुक्त बिजाई क्षेत्र 20.82 लाख हेक्टेयर से घटकर 19.71 लाख हेक्टेयर हो गया है और दलहन की फसलों की बिजाई का अंतिम चरण चल रहा है। और इस खबर के चलते समय के अंदर चने का उत्पादन 3.98 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 4.57 लाख हेक्टेयर हुआ है, मगर फॉब बॉन्स का बिजाई क्षेत्र 3.05 लाख हेक्टेयर से घटकर 2.247 हेक्टेयर बताया जा रहा है। मटर का क्षेत्र एक का क्षेत्रफल बिजाई का 1.97 लाख हेक्टेयर से गिरकर 6.45 लाख हेक्टेयर हो गया है। दोस्तों अबारेस ने दलहन का कुल उत्पादन 2022-23 में कुल सीजन का 39.5 लाख टन से 32% घटकर 26.84 लाख टन रह जाने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों लेकिन चने के उत्पादन के लिए एक अच्छी खबर है कि चने का उत्पादन जो है वो बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। और साथ साथ एक दिलचस्प तथ्य ये भी समझ के आया कि चने के बिजाई क्षेत्र में 60,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है, मगर इसके उत्पादन का अनुमान 33,000 हेक्टेयर की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है क्योंकि वहां पे मौसम लगातार खराब या प्रतिकूल रहने का एक आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रेलिया से खबर। अब एक और खबर निकल के आ रही है कि हम काबुली चने के ऊपर बात करेंगे, दलहन के ऊपर बात कर रहे हैं कि काबुली चने ने पिछले लगभग एक महीने में जबरदस्त तेजी दिखा दी है। वो लगभग 8 मई से यदि हम लोग देखें तो काबुली चना जो 12,000 रुपए के पे ट्रेड कर रहा था वो लगभग 14,000 से ऊपर 14,250 के भाव उसने दिखाई दिए। कल यदि सोमवार को देखा जाए तो 14,200 के भाव काबली चने ने देखे गए थे, 700 रुपए की तेज बढ़त थी, लेकिन आज काबली चने में कुछ मामूली गिरावट 350 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। तो दोस्तों ये था एक काबली चने पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट। और अब और खबर भी निकल के आ रही है कि यदि हम आगे देखें कि दलहन पर के जो खबर है उसकी हम इंपोर्ट की खबरें आपके पास लाएंगे, क्या भाव चल रहे हैं दलहन के वो भी आपसे आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, इससे पहले आगे 24 घंटे के अंदर मौसम की भी संभावित गतिविधियां आपसे शेयर करेंगे। राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे
बढ़ सकते हैं, ये अगले 24 घंटे की बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक तट पर मध्यम तेज हवाएं चलने की खबर निकल के आ रही है और इस क्षेत्र में स्थिति खराब हो सकती है। ये स्काई मेट के तत्वाधान से हमने आपसे ये मैसेज आपको शेयर किया है। ये गौरतलब है कि एक और जो महत्वपूर्ण चर्चा हम आपसे कर रहे हैं कि आज चने के भावों के अंदर, चने के अंत के भावों में आज थोड़ी मिक्स भाव नजर आए। लातूर के अंदर चने के अंदर 60 रुपए की तेजी रही, 5160। इंदौर के अंदर 25 रुपए की गिरावट, 5175 के भाव। दिल्ली 5100 के भाव, कोई चेंज नहीं। सोलापुर के अंदर कोई चेंज नहीं, 5250। अकोला 5100, लेकिन नागपुर के अंदर चने के अंदर 25 रुपए की गिरावट देखी गई है, 5225 के भाव हैं। पिपरिया के अंदर लगभग 30-35 रुपए की तेजी दर्ज हुई है और ये 4994 के भाव है। और मूंग के अंदर आज देखा जाए तो मूंग के अंदर आज मंडियों के अंदर गिरावट का ही माहौल रहा, चाहे दाबोद हो, इंदौर हो, औरैया हो, बीना हो, यहाँ पे लगभग 50 रुपए से लगभग 200 रुपए तक की गिरावट मूंग में देखी गई। दाहोद के अंदर 7455, यहाँ पे मामूली बढ़त 5 रुपए की रही। इंदौर के अंदर 50 रुपए की गिरावट के दर 7350 और औरैया के अंदर 7000 रुपए का भाव, यहाँ पे 200 रुपए मूंग के अंदर तेज गिरावट हुई। दोस्तों, तुअर के भावों के अंदर गौरतलब है कि सरकार ने तुअर के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने के बाद बाजारों में कुछ उसके बावजूद कुछ तेजी दिखाई दी थी, लेकिन आज तुअर के दामों में कुछ गिरावट है। तुअर के दाम में लगभग 250 रुपए से 500 रुपए तक की अलग अलग शहरों में तुअर के भाव आज घट गए हैं। यदि हम तुअर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो गिरावट जो नजर आई है वो 275 रुपए की आई है। सोलापुर में ये 900 रुपए से 10625, यहाँ पे 275 रुपए घट गए हैं। और लगभग आवक की जो है लगभग 13 मोटर गाड़ी की आने की आवक बताई जा रही है, लेकिन नागपुर के अंदर तुअर के भावों के अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, यहाँ पे थोड़ी सी तेजी देखी गई है। नागपुर के अंदर 9400 से 10555 रुपए के भाव देखे गए हैं। साथ साथ जूनागढ़ के अंदर 10370 रहे हैं, यहाँ पे लगभग 130 रुपए की गिरावट तुअर में दर्ज हो गई है। तो दोस्तों, यदि हम पिपरिया की बात करें तो वहां पे 10000 के भाव हो गए हैं, वहां पे 500 रुपए गिरावट है। इंदौर में 300 की गिरावट के साथ 10100, चेन्नई 10100, यहाँ 250 की गिरावट है। और मुंबई 8900, यहाँ पे 50 रुपए की मामूली गिरावट है। अमरावती के अंदर भी 250 रुपए की गिरावट है, 10250। और नागपुर 10650, यानी 250 रुपए की यहाँ भी गिरावट है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त यदि हम चने की बात करें तो चना जो है सोलापुर के अंदर 5000 से 5250 क्वालिटी अनुसार, राजकोट के अंदर, दिल्ली के अंदर चना 5100 पे बिक रहा है और साथ साथ राजकोट के अंदर 4200 से 4575 तक के भाव हैं। काबुली चना जो कल बहुत तेजी दिखाया था राजकोट में आज गिर गया है, ये 8750 से 12750 रुपए है, लगभग 800 रुपए की गिरावट है। और गेहूं वीट के अंदर 2510 रुपए के भाव हैं। तो दोस्तों, लेकिन ये सारे जो भाव आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के चैनल के जरिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। आगे के समाचार बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों नमस्कार। तिलन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निःशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे ऊपर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर सरकार की तरफ से दलहन के लिए आई है कि उपभोक्ता मंत्रालय ने पीएसएस स्कीम के तहत खरीदे जाने वाली तुअर, उड़द व मसूर पर लगी 40% की जो सीलिंग थी उसको हटा दिया है।
अब किसान किसी भी मात्रा में सरकार को माल बेच सकेंगे। उपभोक्ता मंत्रालय ने सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी स्टॉक में पड़े तुअर व उड़द की जानकारी मांगी और ये घोषणा की। अब उस तुअर उड़द मसूर पर सरकारी खरीद की सीमा हट चुकी है और किसान समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक माल सरकार को बेच पाएंगे, यानी सरकार किसान अपनी उपज का जितना चाहे उतना माल सरकार को बेच सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि गौरतलब है तुअर और उड़द के भाव बेकाबू हैं और एमएसपी से ऊपर काफी भाव बाजार में चल रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है, लेकिन ये कितना कारगर होगा ये एक महत्वपूर्ण बात है। चने की जहां की बात करें तो चने में भी धीरे धीरे मजबूती देखी जा रही है। मिल क्वालिटी का चने की आवक मंडियों में कमजोर हो रही है और मध्य प्रदेश की मंडी में चना के भाव लगातार धीरे धीरे मजबूती पकड़ रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी चने की सप्लाई थोड़ी सी कम हो रही है। नाफेड के पास एक बड़ा स्टॉक जरूर चने का है, जबकि राजस्थान में चने की आवक फसल कमजोर होने से अन्य राज्यों की सप्लाई कम जा रही है राजस्थान से। गौरतलब है कि राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश ये चने के प्रमुख उत्पादक राज्य माने जाते हैं। महाराष्ट्र का अधिकतर चना या तो नाफेड के पास गया है और खपत और स्टॉक की आवक की वजह से अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी चने की आवक कम हो रही है। दोस्तों चने के ऊपर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि देसी, क्योंकि चने के ऊपर जो सरकार के आंकड़े थे वो अच्छी फसल के थे, लेकिन काबुली चना और देसी चने में दोनों को मिलाकर वो आंकड़े दिए गए थे और उसको लेकर तो वास्तविकता यही है। किसानों से बात करने पर पता लगता है कि इस बार देसी चने की उत्पादन कम है और किसानों ने बिजाई भी कम की थी और उसका उत्पादन भी कम है। इसको देखते हुए चने के भाव इतनी उम्मीद के हिसाब से नहीं बढ़ पाए क्योंकि सरकारी डर के वजह से व्यापारी काफी परेशान पिछले 1.5-2 साल से हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी खरीदारी नहीं की है। तो लेकिन चने के भाव अब धीरे धीरे तेज होने की संभावना बन रही है, ऐसा किसान एवं व्यापारी वर्ग बता रहा है। दोस्तों आगे की समाचार हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब आपसे इजाजत देता हूँ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आपके हाजिर होते हैं। दोस्तों नमस्कार। तिलन दलहन मसाला कपास गवार सीड सोना चांदी मेटल इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन सरसों पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे ऊपर उपलब्ध है tushar.global.services.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tushar.global.services.com। दोस्तों कार्यक्रम के इस भाग में हम कपास के ऊपर बात करेंगे कि कपास के भाव जो मई के अंदर प्रथम सप्ताह में 7,900 थे, घटकर ये 6,800 रह गए थे जून के प्रथम सप्ताह में। लेकिन आपको याद होगा कपास में हमने लगातार अपडेट दिए कि मल्टीनेशनल कंपनी लगातार माल खरीद रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कपास के भाव तेज होने की संभावना है। जो हमारा विशेष विश्लेषण आपको हमने दिया था वो सही साबित हुआ और 1 जून से और आज 6 जून के बीच में कपास के भाव 6,800 से निचले स्तर से ऊपर उठकर 7,600 रुपये हो गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 7-800 रुपए की जो तेजी जिसको हमने लगातार आपको अपडेट भी दिए हैं, विश्लेषण दिए हैं, किसानों और व्यापारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। आने वाले लगभग 10 से 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण कृषि उपजों के लिए रह सकता है। इसमें तिलन दलहन मसाला एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। याद कीजिए जीरे और हल्दी पर हमारा विशेष विश्लेषण, कपास पे हमारा अग्रिम विश्लेषण जो कि सत्य साबित हुआ। आप भी यदि चाहें तो हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको नोट करें और जरूरत पड़ आवश्यकता पड़ने पे आप संपर्क अवश्य करें। साथ साथ एक विशेष डिस्क्लेमर भी है, ये सभी जानकारियां आपको ट्रेनिंग रिसर्च और एजुकेशन पर्पज से शेयर की जा रही है। बाजार की खबरें से आपको रूबरू कराने का हमारा प्रयास है। ये कोई भी जानकारी आपको ट्रेडिंग पर्पज यानी व्यवसाय या व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं साझा की जा रही है। किसी भी प्रकार का नफा नुकसान की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है।
इन सब शर्तों को आप यदि एग्री करते हैं तो ही आप हमारे चैनल को में देखें, और किसी भी प्रकार का लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी कभी नहीं होती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।